हिंसा का एक और उदाहरण। पत्रकार पर कुख्यात गुंडे ने किया हमला। गैंगस्टर सतीश भाऊ ने अपने खिलाफ खबर छापे जाने से बौखलाकर एक अखबार के प्रधान संपादक अंकुर जायसवाल पर किया जानलेवा हमला। गुर्गों के साथ मिलकर पिस्टल की बट से मारा और धमका कर भाग गए। बीती रात नंदनगर निवासी हेमंत यादव के बेटे का जन्मदिन और बेटी की सगाई का कार्यक्रम बाणगंगा थाना क्षेत्र के एसआर ग्रीन्स में था। अंकुर जायसवाल गार्डन में प्रवेश कर ही रहे थे कि इस दौरान कुख्यात गैंगस्टर सतीश भाऊ का बाहर आना हो रहा था। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ तो कॉमन मित्र के जरिए उनकी बातचीत होने लगी। इस दौरान खबर लिखने को लेकर सतीश भाऊ ने विवाद करना शुरू कर दिया और सतीश भाऊ ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अंकुर जायसवाल पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में जायसवाल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह और एडिशनल डीसीपी अमरिंदर सिंह, बाणगंगा थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया भी अस्पताल पहुंच गए। जायसवाल की शिकायत पर गैंगस्टर सतीश भाऊ और उसके गुर्गों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में प्रकरण दर्ज कर उन सभी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में जहां पुलिस कर्मवीर हमले का मामला सामने आया था, वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला दिखाता है कि इंदौर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। मेरे के मित्र की बेटी का जन्मदिन और मित्र की बेटे की सगाई का प्रोग्राम था एचआर ग्रीन मैरिज गार्डन पे। वहाँ मैं रात को 11:30 बजे अपने छोटे भाई और मित्रों के साथ गया था और जैसे ही मैं कार से उतरा तभी बाहर गैंगस्टर सतीश भाऊ, गब्बर चिकना और उसके साथ में अमित जादौन, कमल जादौन, शिबू जादौन और 10-12 लोग थे। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि तू बहुत खबर छापता है अपने खुलासा फर्श अखबार में। तो मैंने कहा कि कोई आपका घटनाक्रम होता है और कोई एफआईआर होती तो रिपोर्टर खबर देता है तो छापना पड़ती है, आपसे मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। वैसी बात पर वो बौखला गया और उसने मेरे साथ मारपीट सभी ने चालू कर दी। लाठ ठोसों से पिस्टल चाकू भी निकाल दिए। मैं गिरा और वापस जैसे तैसे उठा और बचने के लिए अंदर मुझे लोगों ने बचाया और मैं अंदर गार्डन के अंदर भागा और मेरी जान बची। इसके बाद सतीश भाऊ बोलता गया कि आगे अगर खबर छापेगा तो मुझे जान से खत्म कर देंगे। सर कल देर रात पुलिस पे भी हमला हुआ है, पत्रकार पे भी हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहीं ना कहीं देखिए जनवाई मामलों में हमारी बड़ी गंभीरता से जांच चल रही है। तो पुलिस पे हमला हुआ, उसमें अपराधी लगभग हम उसके पास हैं और जल्दी शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करेंगे। और जो पत्रकार महोदय पे आप हमले की बात कर रहे हैं उसमें हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। उसमें धाराएं जो उच्चतर धाराएं उनमें कार्रवाई की गई है और शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की। बदमाशों में खौफ फैलाने के लिए, बदमाशों में डर बैठाने के लिए शॉर्ट इनकाउंटर की जरूरत है वापस से लगता नहीं? हम तो कानूनी कार्रवाई हमेशा करते हैं और कानूनी कार्रवाई जो कानून की परिधि में रह के है वो अधिक से अधिकम करें। सर बुरहानपुर जिले के ग्राम बातोड़ा के किसानों ने लालबाग विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर किया हंगामा। बैठे धरने पर पिछले 20 दिनों से बिजली के तार जल जाने के कारण गांव और खेती में बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान है। बुरहानपुर जिले के ग्राम पातोड़ा के किसान पहुंचे लालबाग बिजली विभाग, जहां किसानों ने बिजली समस्या को लेकर हंगामा किया और धरने पर बैठे हुए लामबंद हुए। बड़ी संख्या में पहुंचे किसान पिछले 20 दिनों से गांव से बाहर लगी बिजली की केबल जहां पर जल चुकी है, जिससे गांव में बिजली को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, गांव के लोग गर्मी से हलकान हो रहे हैं, बिजली न होने के कारण गर्मी से परेशान है। जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा है, वर्तमान में 46 डिग्री तापमान में गांव के लोग बगैर बिजली के कैसे रह रहे हैं ये तो उनकी समझ से परे है, जिससे आक्रोशित किसान और ग्रामीण एमपी भी पहुंचे जहां हंगामा किया गया। हंगामा देखकर मौके पर लालबाग पुलिस भी पहुंच गई और किसानों को समझाइश देने लगे। वहीं अधिकारियों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद अधिकारियों ने किसानों की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा, जिसके बाद किसान शांत हुए और आश्वस्त होकर आंदोलन को समाप्त किया। ये लगभग 15 से 20 दिन पहले हमारे पातोंडा क्षेत्र के कई रेलवे क्रॉसिंग पर एक फॉल्ट था और तत्काल हमने इसकी सूचना संबंधित जो हमारे सेंगर साहब है अपने जो एई है यहाँ के उनको दी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारा जो फीडर है वो विरोधा फीडर से चालू करके जोड़ दिया गया। लेकिन अभी हुआ समस्या ये आ रही है कि वोल्टेज कमी के कारण पानी बराबर नहीं आ पा रहा है और दूसरा विषय ये है कि जो यानी बार बार फॉल्ट हो रहा उसका भी ये लोग कोई समाधान नहीं है कर रहे। और अभी हमने केली के कुछ घड़े भी यहाँ पर लाए हुए दिखाने के लिए और ए सी साहब ने अभी बताया मीडिया के माध्यम से, जैसा हमको पता चला है कि ए सी साहब का कहना ये है कि हमको अभी तक 4-5 दिन पहले जानकारी मिली, जबकि अभी उन्होंने हमको अभी सामने ही कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये बिजली विभाग की लापरवाही है जिसके कारण किसान लोगों यहाँ आज हम सब एकत्रित हुए।
ये रेलवे क्रॉसिंग की केबल जली है, रेलवे की उसमें परमिशन की आवश्यकता होती है, इसलिए लाइन अभी दूसरे ग्रिड से चालू की थी, उसमें लाइन फॉल्ट होने की वजह से सप्लाई चल नहीं पा रहा है। अभी केबल का जो है रेलवे की परमिशन मिल जाए खुदाई की तो केबल डालने का रहेगा, उस तक अभी लाइन कहीं से अल्टरनेट व्यवस्था जहाँ से की थी वो फॉल्ट क्लियर करके लाइन चालू करवाई जाएगी। मुझे तो 5 दिन पहले मिली थी, उस समय लाइन चालू करवाई थी अपन ने अल्टरनेट सप्लाई से।